Like people are selling PS4 on the roads. No. No, no, no. ये देखो भाई, देखते हैं अगर मेरे को कोई ट्रेन मिली ना तो एक ट्रेन जर्नी जरूर करूंगा मैं जाम्बिया में। अभी मैं ये ब्रिज के ऊपर हूँ यहाँ पर। हेलो गाइस, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। अभी मैं हूँ लुसाका जो कि जाम्बिया की कैपिटल है। सबसे पहले मैं आपको जाम्बिया इस देश के बारे में बता देता हूँ कहाँ पड़ता है ये। मलावी तो आपको पता ही है, मलावी के नीचे, और अगर आपको जिम्बाब्वे पता है तो जिम्बाब्वे के ऊपर, और साउथ अफ्रीका से ऊपर जिम्बाब्वे, और जिम्बाब्वे से ऊपर जाम्बिया। और जाम्बिया जो देश है उसकी बॉर्डर 8 देशों के साथ लगती है, तंजानिया, कोंगो, अंगोला, नामीबिया, बोस्टवाना, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और मलावी। अगर मैं कोई कंट्री भूल गया हूँ तो मुझे माफ़ करना। वैसे 8 कंट्री की बॉर्डर इस देश को लगती है। काफ़ी सुंदर देश है और काफ़ी मतलब कि साफ सुथरा। बाकी अफ्रीका के देश के मुकाबले आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको बिल्कुल ही अलग दिखेगा। पेड़ पौधे, ग्रीनरी, सड़कें बिल्कुल साफ। और जैसे कि मलावी में था ना कच्ची सड़कें, यहाँ पर ऐसी सड़कें आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। यहाँ पर आपको मतलब बिल्कुल साफ सुथरी चिकनी सड़कें दिखेगी। आप सोच ही नहीं सकते कि आप अफ्रीका के अंदर हो। ये देश काफ़ी अमीर है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉपर निकलता है, तांबा निकलता है। हर साल ये देश 15 लाख टन कॉपर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करता है। तो इसके पास बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, मतलब बाकी अफ्रीकन देश के मुकाबले काफ़ी अच्छा पैसा है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ की लुसाका जो कैपिटल है जाम्बिया की, वो कैसी दिखती है। तो चलो अभी बाहर चलते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको मेरा होटल का रूम दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। ये देखो, ये मेरा सामान पड़ा है और ये मेरा होटल का रूम। मेरे को पूरा रूम मिल गया है क्योंकि इनके पास मैंने डोम बुक किया हुआ था काफ़ी पुराने, मतलब पीछे मेरा प्लान था काफ़ी पहले आने का यहाँ पर। तो मैं धीरे धीरे डेट एक्सटेंड करवाता गया तो मैं फाइनली यहाँ पहुँच गया। क्योंकि आपको पता ही है मेरा लैपटॉप ख़राब था तो मैं यहाँ नहीं आ पाया। तो इसीलिए इनके पास इस टाइम जो डोम था वो खाली नहीं था, इसलिए इन्होंने मुझे एक पूरा रूम दे दिया अटैच बाथरूम के साथ, और यहाँ तक कि इसमें एक फ्रिज भी है और एक पंखा। और ये जो सामान है वो मैं ब्रेड वगैरह साथ लेके घूमता हूँ ताकि कहीं पर भी ज़रूरत पड़े तो अपना कुछ ना कुछ सैंडविच वगैरह बनाकर बंदा खा ले। तो अभी चलते हैं बाहर और आपको दिखाते हैं कि जाम्बिया जो जो लुसाका जो कैपिटल है जाम्बिया की वो कैसी दिखती है, यहाँ की कुछ मार्केट वगैरह लोकल सब कुछ दिखाऊंगा मैं आपको। तो चलो अभी चलते हैं और थोड़ा सा मैं आपको मेरा हॉस्टल भी दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है। ये आप देख सकते हो ऐसा मेरा होटल दिखता है, हॉस्टल। और ये जो थोड़ा छोटा सा एक पूल है, इधर सामने एक बार बना हुआ है और इधर पार्किंग है और इस साइड रेस्टोरेंट है, बैठने की जगह है। और अभी चलते हैं हम बाहर। ये सामने जो आप देख रहे हो ये मंदिर है एक, वो तो मुझे पता नहीं है कौन सा मंदिर है लेकिन मंदिर है। और एक ये और एक यहाँ पर एक साईं बाबा का मंदिर है। इन दोनों मंदिर में भी मैं आपको दिखाऊंगा जाकर कैसा दिखते हैं ये मंदिर। ये वाला मंदिर काफ़ी सुंदर दिख रहा है। तो इससे पता लगता है कि यहाँ पर काफ़ी लोग रहते हैं इंडिया से जो कि हिंदू है। यहाँ पर सामने एक टेम्पल और इसी के सामने एक टेम्पल, तो इसका मतलब काफ़ी हिंदू लोग यहाँ पर रहते होंगे इसका मतलब है। तो ये मैं आपको बाद में जाकर दिखाऊंगा कि कैसे हैं। अभी अपा चलते हैं कहीं मार्केट में तो वो दिखाता हूँ मैं आपको मार्केट कैसी दिखती है। मैं जब से मेरे हॉस्टल से निकला हूँ ना, रास्ते में मैंने 5-6 ऐसे बोर्ड, या मतलब 5-6 से भी ज़्यादा ऐसे बोर्ड देख लिए होंगे जिस पे इंडिया के बारे में कुछ लिखा हो। यहाँ पर देखो चेन्नई बाज़ार, यहाँ पर सब मसाले, टाटा वगैरह, रावा, इडली, सांभर, सब कुछ देखो मिलता है। और ये है चेन्नई बाज़ार की एंट्रेंस। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या है। ये 9 से 8:30 बजे तक खुला रहता है
और ये मैं सही बताऊँ ना, जाम्बिया काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इंडिया से, बहुत सी चीज़ें आपको इंडियन मिलेगी यहाँ पर। आप देख सकते हो मैं मलावी में 2 महीने था, मैंने एक भी लाल बत्ती नहीं देखी थी, और यहाँ पर अच्छा ट्रैफिक रूल है, साफ़ सुथरी सड़कें हैं। देखो प्लास्टिक आपको यहाँ पर बिल्कुल भी, कचरा कुचरा कुछ भी नहीं मिलेगा। फर्स्ट इम्प्रेशन जो है जाम्बिया का बहुत अच्छा रहा, गाड़ियाँ गुड़ियाँ साफ़ सुथरी, देखो सामने जो जगह बनी हुई है काफ़ी साफ़ सुथरी बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल गंदा गंदा एरिया हो या कुछ, बिल्कुल भी, मतलब कि लोग भी अच्छे से बिहेव करते हैं आपके साथ। लेकिन मलावी इससे बिल्कुल अलग था यार, बिल्कुल। देखो हर जगह कैमरा लगे हुए हैं, सिक्योरिटी है बंदे की, और इधर उधर ऐसा कुछ भी नहीं था मलावी में। फर्स्ट इम्प्रेशन काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए। धीरे धीरे मैं आपको और दिखाता हूँ जाम्बिया कैसा लगता है। ये देखो लोकल मार्केट ऐसी है यहाँ पर, बिल्कुल हम सिटी के जो सेंटर की मार्केट है ना, वहाँ आ गया हूँ मैं। यहाँ पर आपको ना लोग ऐसे दिखेंगे जो आपसे थोड़े बहुत पैसे भी मांगेंगे, और नीचे बैठे मिलेंगे, कुछ नीचे बैठकर सामान बेच रहे होंगे, कुछ ऐसे मिलेंगे। लेकिन अभी ये जो है ना, जो टेक मार्केट लग रही है मुझे मोबाइल फ़ोनों की या उसकी, आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कुछ मिलता है इसमें। ये देखो लाइक पीपल आर सेलिंग PS4 ऑन द रोड्स। नो, ये देखो टीवी के रिमोट, ये मार्केट देखो कैसी है, ताले तूले सब कुछ मिल जाएगा आपको, इलेक्ट्रिक स्विच जैसे चोर बाजार नहीं होता दिल्ली वाला, वैसा लग रहा है बिल्कुल। लोहे का सामान जो आपका दिल चाहे सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, फार्मर मार्केट। पहले वहाँ पर रिमोट वगैरह पड़े थे, PS4 की कैसेट वगैरह पड़ी थी, और इधर लोहे का सामान आ गया, मिक्स चल रहा है सब कुछ। मतलब इतना देख लो गंदगी नहीं है, फिर भी मतलब कितने लोग हैं आसपास, मतलब कचरा कुचरा फिर भी नहीं मिलेगा। मेरे को उम्मीद नहीं थी ऐसा होगा जाम्बिया, जाम्बिया मेरी उम्मीद से ऊपर खरा उतरा है सही बताऊँ मैं। ये देखो ये बिल्कुल ना एक हाईवे है, हाईवे नहीं बोलेंगे, मतलब है तो शहर के बीच की रोड, मतलब कि काफ़ी बड़ी रोड है, और इसके दोनों तरफ देखो काफ़ी बड़ी मार्केट बनी हुई है। उस साइड छोटी छोटी दुकानें हैं और इस साइड बड़ी बड़ी दुकानें हैं, और मैंने इतना देखा है कि यहाँ भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा है रोड पर आप देख सकते हो, लेकिन फिर भी मतलब कि लोग अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। ना मेरे को कभी किसी ने कुछ बोला अभी तक, मतलब कि तू क्यों वीडियो बना रहा है, कभी अभी तक किसी ने कुछ नहीं बोला। आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा प्लास्टिक कचरा आपको इधर नहीं मिलेगा, मतलब कि लोग बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं यार यहाँ पर। मतलब किसी भी बंदे ने ना कुछ भी नहीं बोला अभी तक कि क्यों वीडियो बना रहा है, लेकिन और कोई भी देश में होते हैं ना अब तक तो पता नहीं कितने बंदे बोल देते हैं हमारी क्यों वीडियो बना रहा है। और देखो काफ़ी बढ़िया लगा यार मेरे को जाम्बिया, मतलब कि काफ़ी अच्छा फर्स्ट इम्प्रेशन मैं बड़ा खुश हुआ, क्योंकि जब मैं मलावी में था ना काफ़ी ज़्यादा तंग हो गया था, वहाँ के लोग इतने ज़्यादा बुरे हैं ना, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। हर बंदा आपसे बात करेगा सिर्फ कोई मतलब के लिए, कोई मतलब के लिए, मतलब डायरेक्टली भी वो अपना मतलब नहीं बताएगा। और देशों में क्या होता है, किसी को पैसे मांगने होते हैं ना तो वो डायरेक्टली पैसे मांग लेता है, लेकिन वहां पर वो आपको कुछ ना बातों में उलझा कर कहेगा इधर चले उधर चले, ये कर लो वो कर लो, फिर जाकर पैसे, मतलब कि लास्ट में फिर आपको देने ही पड़ते हैं, क्योंकि वो आपके साथ आया ये किया उसने, तो मतलब आपको फंसा लेते हैं बातों में। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखो भाई, देखते हैं अगर मेरे को कोई ट्रेन मिली ना तो एक ट्रेन जर्नी जरूर करूँगा मैं जाम्बिया में। अभी मैं ये ब्रिज के ऊपर हूँ, यहाँ पर ये कपड़े वगैरह बेच रहे हैं लोग, और यहाँ पर कुछ टेस्टिंग साइट चल रही है इंजन की, देख सकते हो आप मेरे सामने। पटरी भी काफ़ी छोटी है यहाँ की, इतनी बड़ी नहीं है। अब ये देखो आप बिल्कुल सेंटर में आओगे ना तो आपको ऐसी मार्केट मिलेगी जैसी बस स्टेशन रेलवे स्टेशन के बाहर मिलती है ना इंडिया में।
सब कुछ मिल जाएगा भाई। देखो यहाँ पर एक चीज हो रहा है, यहाँ पर लोग ना बाल भी काफी बेचते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी लड़कियां वगैरह ये नकली बाल लगाती है ना, तो हर जगह आपको लोग बाल बेचते हुए भी मिल जाएंगे। ये नकली बाल होते हैं, टोपी वगैरह देखो, ये देखो नीचे भी ऐसी मार्केट है। ये जो एरिया है ना, यहाँ पर ऐसा देख के लगेगा कि आप सच में अफ्रीका में आए हुए हो, बाकी जगह पर देख कर आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप अफ्रीका में आए हुए हो। चलो भैया, आपको मैं आज पैसे निकलवा के भी दिखा देता हूँ कि कितने पैसे निकलते हैं और कितने मेरे बैंक से कटेंगे। भाई साहब, पता नहीं एटीएम को क्या हो गया है, मेरे अकाउंट से पैसे कट गए हैं। मैंने 1200 को अच्छा निकलवाए हैं, लेकिन बाहर नहीं आ रहे, और कब से मशीन काउंट भी करे जा रही है और लिखा आ रहा है कि ट्रांजेक्शन इन प्रोग्रेस, प्लीज वेट। अब पता नहीं मैं क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं किससे कांटेक्ट करूं, क्योंकि पैसे तो बाहर ही नहीं आए हैं। मतलब कुछ दबाना तो नहीं पड़ता है, पता नहीं अब क्या करूं मैं यार, समझ ही नहीं आ रहा यार। कमाल होगी, हद होगी, पैसे कट गए हैं अकाउंट में से और मैं क्या ही करूं। अभी तक ट्रांजेक्शन इन प्रोग्रेस आ रहा है, देख सकते हो आप, प्लीज वेट। अब पहली बार हुआ है मेरे साथ ऐसा, किसी कंट्री में पहले कभी भी नहीं हुआ है। अब मैं किससे कांटेक्ट करूं, क्योंकि बैंक भी बंद है, क्योंकि टाइम हो गया है बैंक का। तो अब मैं पता नहीं यार क्या करूंगा। मेरे को खुद को डर लग रहा है, मैंने 5000 इंडियन रुपए निकाले हैं, 5298 निकले हैं, यहाँ के 1200 कट गए हैं मेरे अकाउंट से। मेरे पास मेल पे मैसेज आ जाता है, लोकल सिम पे तो नहीं आता, लेकिन मेल आ चुकी है मेरे पास। और देखो कार्ड बाहर निकला है, पहले पैसे निकले नहीं थे, अब निकल गए हैं, पर बैंक ने मेरे को वापस भेज दिए थे पैसे बैंक के अंदर। ऐसा कुछ दिखता है इनका, 100 का नोट, सभी 100 के नोट ही दिए, मैंने 1000 निकाले हैं। तो चलो अभी चलते हैं। और मेरे इनको ये चार दिया है, इन्होंने 4.4, मतलब कि इनका 4 1 रुपया इंडिया के 4.4 इनके 1 के बराबर है। यहाँ पर बोलते हैं इसको जाम्बियन क्वाचा।